आज की एक क्विक वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्टकट कीज जो आप अपने डेली यूज़ में ऑफिस में काम करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे शॉर्टकट कीज काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर और भी डिटेल में तो आप हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। जस्ट हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश। आपको हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, जिसको आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक बार पेमेंट करी आपको सारी यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेंगी सारी वीडियोज़ का। साथ ही में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो अभी कर लीजिए हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आइए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपके काफ़ी काम आएगा। वो तो है कि अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, टेक्स्ट नहीं कॉपी करना, तो उसके लिए जस्ट आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है और प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और सी बटन। इससे आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। और जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करिए और प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और वी बटन, तो आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो गई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड शॉर्टकट की। सेकेंड शॉर्टकट की ये है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है जैसे कि ये वाला, और अगर आप इसको यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल स्टाइल की यहाँ पे फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों जस्ट आपने अपनी शॉर्टकट की प्रेस करनी है। वो होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन। तो आपका टेक्स्ट देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्टाइल में बदल गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। थर्ड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कब काम आता है कि अगर आपने पेज में बहुत सारे पेजेस है और अगर आपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है तो उसके लिए आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है। जहाँ से भी स्प्लिट करना है वहाँ पर क्लिक करना है और प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और एस बटन। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। मतलब आप ऊपर भी अलग से काम कर सकते हैं, नीचे आप अलग से काम कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। और अगर आप यहाँ पे दोबारा कंट्रोल ऑल्ट और एस बटन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका अनस्प्लिट भी हो गया है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। फोर्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ये है कि अगर आपने किसी भी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो कॉपी पेस्ट मत करिएगा। उसके लिए आपने एक सिंपल से शॉर्टकट की यूज़ करनी है। वो होता है आपका यहाँ पे जस्ट आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए और प्रेस करिए यहाँ पे ऑल्ट बटन, ठीक है, शिफ्ट बटन और डाउन एरो अगर आपने पैराग्राफ को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो से आप पैराग्राफ को ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब डाउन एरो और अप एरो से आप यहाँ पे पैराग्राफ को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए बिना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे फिफ्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। देखिए दोस्तों अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, तो उसके लिए मैं देखिए दो शॉर्टकट की बता देता हूँ। जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, अगर आपने इसको कैपिटल या स्मॉल करना है, मतलब इसका केस चेंज करना है, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 बटन। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल आ गया है, और अगर आप दोबारा शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल लेटर आ गया है, दोबारा प्रेस करेंगे तो सेंटेंस केस आ गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे पूरा कैपिटल करना चाहते हैं तो जस्ट प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और के बटन, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल में भी हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सिक्स्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। दिस शॉर्टकट की तो ये है कि अगर आपने टेक्स्ट के देखिए फॉन्ट वगैरह अगर आपने चेंज करना है या इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, सिंपली डायरेक्टली आप अपने यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दो शॉर्टकट की होती है, या तो प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एफ बटन, तो देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप फॉन्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या दूसरी शॉर्टकट की होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल डी, तो इससे भी आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे सेवेंथ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। इस शॉर्टकट की में है कि अगर आपने टेक्स्ट को यहाँ पे हेडिंग में बदलना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके उसी वाला टेक्स्ट है, ठीक है, आपने इसको हेडिंग में चेंज करना है, तो जस्ट मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और अगर मैंने यहाँ पे मैनुअली करना हो तो होम टैब में जाके मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि मदद से मैं टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स की यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आप इसको यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। जस्ट आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और प्रेस करिए यहाँ पे, जस्ट प्रेस करिए ऑल्ट बटन कंट्रोल बटन, और आपको यहाँ पे वन बटन प्रेस करेंगे तो देखिए टेक्स्ट का हेडिंग वन हो गया।
और अगर आप यहाँ पे ऑल्ट और कंट्रोल बटन प्रेस करके टू बटन प्रेस करेंगे तो हेडिंग टू हो गया, हेडिंग थ्री हो गया अगर आप थ्री बटन प्रेस करेंगे, और अगर आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग करनी है तो जस्ट आप प्रेस करें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन, तो टेक्स्ट की यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे एट्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। अब ये शॉर्टकट की में ये है कि अगर आपने मल्टीपल टेक्स्ट को यहाँ पे कट करना है और एक साथ पेस्ट करना है तो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि देखिए मैंने ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, मतलब दो वर्ड सिलेक्ट कर लिए। अगर मैंने इसको यहाँ पे कट करना है तो इस बार मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 बटन, तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट आपका कट हो गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी सिलेक्ट किया, जैसे कि ये दोनों वर्ड्स मैंने सिलेक्ट करे और इसको मैंने कट करना है तो कंट्रोल प्लस F3 से इसको कट कर लिया। अब मैं इन दोनों टेक्स्ट को जो मैंने कट किया है यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F3 बटन, तो आप देखेंगे आपके दोनों टेक्स्ट यहाँ पे एक साथ पेस्ट हो गए हैं। तो इसी को कहते हैं स्पाइक कट एंड पेस्ट, जो आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नाइन्थ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। इस शॉर्टकट की में यह है कि अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे कि आपके पास कोई पैराग्राफ है और अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो जस्ट प्रेस करिए यहाँ पे कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन और एच बटन, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। ये वाली शॉर्टकट की तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज वर्ड की ओपन है, जैसे कि ये वाली विंडो है और ये वाली विंडो है, और अगर आपने इन दोनों विंडोज में स्विच करना है एक विंडो से दूसरी विंडो में, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की प्रेस करिए कंट्रोल के साथ F6 बटन, तो आप देखेंगे आप दूसरी विंडो में यहाँ पे स्विच हो गए हैं। दोबारा प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 बटन, तो आप यहाँ पे पिछली वाली विंडो में स्विच हो गए हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज हैं तो आप इस शॉर्टकट की का यूज जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों कंप्यूटर सीखना हो गया और भी आसान, क्योंकि हमारे खुद के ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट पर चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyritesh.in, लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारी खुद की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश के नाम से। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाएंगे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो जो लॉन्च हुए हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जैसे ही आप हमारे कोर्सेज में यहाँ पे एनरोलमेंट करेंगे आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा सारी वीडियोज का, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप सीख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे जॉब रेडी है। तो अभी कर लीजिए इस कोर्स में एनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।